मधेपुरा की ऐतिहासिक धरती के मध्य विद्यालय कुम्हारसो में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बांका जिले के मांदर से भारत जोड़ो यात्रा के बिहार भ्रमण के दौरान श्री बाबू की कर्मभूमि एवं आज़ादी की लड़ाई में नमक सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन की इस पवित्र भूमि को नमन किए बगैर यह पद यात्रा अधूरी रह जाती, इसके लिए यहाँ के लोगों को नमन करने के लिए आया हूँ। इसमें एक ही मकसद, एक ही अभियान है, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। कहा कि कांग्रेस हमेशा सभी जाति सभी धर्म को मान और सम्मान देती आई है और आगे भी देती रहेगी। कांग्रेस के लिए त्याग और बलिदान देने वाले परिवार को मान सम्मान के साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बिहार में अलग से अभियान चलाएगी, सभी जिला में इसके लिए कार्यक्रम तय होंगे। उसके बाद पार्टी का विकास होगा, जो भी कांग्रेसी कटे हुए हैं उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेगूसराय जिला के संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसके बाद कांग्रेस संसदीय चुनाव जीतेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस के प्रति आज भी लोगों के दिल में स्नेह है। कांग्रेस सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पिछले चुनाव में पार्टी की जो भूल हुई अब उसे दोहराया नहीं जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य है कि सभी को एक माला में पिरोना है। आज केंद्र की सरकार लोगों में नफरत फैला रही है, जिसके कारण समाज टूट रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी संपूर्ण देश में भारत जोड़ो अभियान को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। आज लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है। सभा की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष आभास झा ने की। अभियान का यह जत्था बखरी और गढ़पुरा प्रखंड के सीमा क्षेत्र में 11:30 बजे पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए भारत जोड़ो अभियान का झंडा ग्रहण किया। उसके बाद कारवां आगे बढ़ता गया। सोनमा गांव में काफिला को चाय के लिए रोका गया। दोपहर 12:45 बजे मध्य विद्यालय कुम्हारसो के प्रांगण पहुंचा। वहां सभा को कार्यक्रम के साथ साथ सभी नेता भोजन किए। उसके बाद करीब 2:45 बजे वहां से भारत जोड़ो पदयात्री आगे बढ़ते हुए बाबा हरिगिरी धाम पहुंचे। वहां बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए जत्था के नायक अखिलेश प्रसाद सिंह आगे बढ़े। उसके बाद 3:45 बजे गढ़पुरा के नमक सत्याग्रह आंदोलन के स्थानीय कार्यकर्ताओं के नेतृत्वकर्ता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के नाम पर बनी बिंदेश्वरी पुस्तकालय को देखते हुए बढ़ने के क्रम में स्वतंत्रता सेनानी बिंदेश्वरी बाबू के पुत्र ललित प्रसाद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष एवं उनके सहयोगी लोगों का स्वागत किया। वहां से काफिला 4:05 पर शाम को नमक सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन की धरती पर पहुंचा। वहां श्री बाबू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। इसी दौरान नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार ने श्री बाबू की भव्य कैलेंडर अखिलेश प्रसाद सिंह को दिए। उसके बाद भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का यह कारवां छौराही प्रखंड के लिए प्रस्थान कर गया। भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में शामिल नेता भारत जोड़ो अभियान के कारवां में शामिल नेताओं में रत्नेश टुल्लू, रजनीकांत पाठक, सार्जन सिंह, पूर्व विधायक अमिता भूषण, MLC राजीव कुमार, पार्टी नेता ब्रजेश पांडे, कपिल देव यादव, पूर्व युवा कांग्रेस एवं जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास, इस अभियान के प्रखंड संयोजक आशीष कुमार, प्रखंड अध्यक्ष आभास झा के साथ अन्य ढेर सारे कार्यकर्ता शामिल रहे। 5 जनवरी से मंदार पर्वत से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय खड़गे साहब को, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद आके पहली बार किसी स्टेट यात्रा को हरी झंडी दिखाई और आज हम लोग सब अभिभूत हैं कि यहाँ से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सिद्धेश सिंह जी का नमक का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में पूरे देश में ये उसका स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा बना और आदरणीय गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। हम स्वर्गीय बिंदेश्वरी बाबू को भी याद करना चाहते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो मुंगेर से पैदल चल के यहाँ आए थे और उन्होंने ही ये ज़मीन दान में दी थी। अभी मैं उनके घर भी गया था, पुस्तकालय जिन सिंह अवस्था में उनके नाम पर है उसको भी मैं अपने सांसद दीदी से पूरा करने का उनके परिवार के लोगों को वचन दिया हूँ और उसको जल्दी पूरा करें। भारत जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य है सर? नफरत और घृणा की राजनीति को देश से समाप्त करने के उद्देश्य से आदरणीय राहुल जी ने ये 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा प्रारंभ की। 2014 के बाद जो स्थिति बनी कि सारे
माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, कांग्रेस पार्टी भी सभी धर्म समुदाय पंथ को का आदर करता है। हम लोग चाहते हैं कि उसकी फिर से बहाली हो। सर, श्री बाबू की कर्मभूमि पे कर्मभूमि कुमारसू में आयोजित इस सम्मान सम्मेलन समारोह में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन प्रसाद जी यहां उपस्थित, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, आम जनता और जो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप लोग काफी सुन चुके हैं, किस कारण से ये यात्रा शुरुआत की गई है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर आज वो आप देख रहे हैं गरीबी तो अमीर में कितनी अंतर हो गई है लोगों को, इसे पाटना। तो जब तक इस मुद्दा को आप समझेंगे नहीं, और मैं आग्रह करता हूं अपने सभी कांग्रेस जनों से, आप अपने पंचायत गांव में जनता को समझाइए कि जब तक आप सरकार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। हम तो बेगूसराय जिले के हर पंचायत का भ्रमण किए हैं और क्या क्या समस्या है वो सब समझ चुके हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा, आप सभी लोग ऐसे एमएलए एमपी को चुने जो कि आपकी समस्याओं के बारे में सरकार के पास इस मामला को सूचित करें और तभी इसका समाधान होगा, ना कि ऐसे प्रतिनिधि का चुपचाप घर बैठ के आपका दर्शन भी नहीं करते हैं।